दो डाउट जो आप लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है इन दिनों, तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं दो डाउट को कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। वैसे मैं सही बताऊं तो मैंने इन दोनों डाउट्स का रिप्लाई पहले के भी वीडियोस में किया हुआ है, तो आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते तो अच्छे से देखिए और अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए। तो सबसे पहली चीज कि मैम दीदी हमारा जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उस पर साइन जो किया हुआ है वो डिजिटल है, तो क्या वो चलेगा, क्या वो एक्सेप्टेबल है? तो हाँ, आपके सर्टिफिकेट पे जो साइन होंगे वो डिजिटल होंगे या फिर वो हैंड रिटन होंगे, वो दोनों ही चलेगा। अब देखिए, बात ये है, मेन तीन चीजें जो इम्पोर्टेंस रखती है। सबसे पहली कि आपकी सर्टिफिकेट सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज कि 31 मार्च 2023 के बाद की इशू होनी चाहिए। और तीसरी चीज SDO या DM के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो चाहे वो हैंड रिटन हो। तो इस बात का ध्यान दीजिए। अब इसके अलावा जो दूसरा जो सबसे ज्यादा डाउट्स आपके द्वारा पूछा जा रहा था वो है कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है 12th के, तो क्या डिजी लॉकर के सर्टिफिकेट वैलिड है? हमारे सर्टिफिकेट्स खो गए हैं तो क्या डिजी लॉकर के सर्टिफिकेट वैलिड है? तो आपके साथ कोई भी सिचुएशन है, डिजी लॉकर के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो फुली वैलिड होते हैं। तो इस बात के लिए बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिए कि हमारे डिजी लॉकर सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, डिजी लॉकर के सर्टिफिकेट वैलिड है। ये DU एडमिशन की डीन हनीत मैम के द्वारा भी कन्फर्म किया गया है एक वीडियो में कि आपकी जो डिजी लॉकर से डाउनलोडेड सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड होगी। तो आई होप कि ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और अब इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड आई विल रिप्लाई, और जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो भी बना दूंगी। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स।